ये अभी सॉफ्ट रिपेयर के लिए खोला जा रहा है। ये रेड कलर का मिनी राइस मिल मशीन, इनका जो शाफ्ट है उसको करीब 1.5-2 महीना में खोल के रिपेयर करना होता है, क्योंकि वो जो शाफ्ट है वो घिस जाता है। जैसे जैसे घिसता है वैसे वैसे धान कुटाई का जो कैपेसिटी है वो घटते चला जाता है, इसलिए इसको मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है। हर 1.5-2 महीना में खोल के इसको रिपेयर करना होता है। कुटाई करने का कैपेसिटी घट जाने के बाद बहुत घाटे में चला जाता है, क्योंकि टाइम पास होता है केवल, यानी समय उतना ही लेता है और कुटाई बहुत कम होता है। इसलिए ये जो शाफ्ट है उसको खोल के रिपेयर करना पड़ता है हमको। ये रिपेयर अगर नहीं करेंगे, अगर नया इसको खरीद के डालेंगे तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। इस तरह से ख़त्म हो जाता है चलते चलते, वो घर्षण होता है धान से तो इस वजह से ख़त्म हो जाता है। तो जो भाग है जिधर हमको रिपेयर करना है वो भाग को इस तरह से ग्राइंडर मशीन से, एंगल ग्राइंडर मशीन से कटिंग करके उसको निकालना होता है। इस तरह से इधर हमको ये करीब शाफ्ट है उसको करीब 3 भाग में हम रिपेयर करता हूँ। तो इस तरह से ये कटिंग कर दिए, जिधर ख़त्म हुआ उधर अभी केवल आगे साइड का रिपेयर होगा, और बाद में जो बैक साइड है उधर भी रिपेयर होगा। तो अभी बैक साइड के थोड़ा कम ही ख़त्म हुआ है, आगे साइड के ज़्यादा ख़त्म हुआ था, तो आगे साइड के पहले अभी रिपेयर होगा। यह ट्रैक्टर हल का जो आगे साइड का होता है वो वाला है, मजबूत लोहा होता है, इस वजह से इसी को कटिंग करके देता हूँ। यानी जितने साइज में वो मांगता है उतने साइज में कटिंग करके मैं उसको देता हूँ। छोटा सा कटिंग करना होगा अभी, बस छोटा सा उनके साइज का। उसके बाद उसको अच्छी तरह से लेबर करके उसमें बैठा के बस वेल्डिंग कर देना होता है। तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा कटिंग करना होता है। ये छोटे से टुकड़े ट्रैक्टर हल का आगे साइड का वाला भाग है, बहुत मजबूत होता है। इनके जगह अगर लोहे का कोई भी मजबूत पार्ट अब दो तो सही होगा। तो इस तरह से छोटे से भाग को प्लास से पकड़ कर उस जगह जिधर वेल्डिंग करना है उस जगह पर ऐसे रख के उसको वेल्डिंग कर देना होता है। ये तो मेरा 6N40 मॉडल जो शाफ्ट है मिनी राइसमिल मशीन का, 6N40 मॉडल मिनी राइसमिल मशीन का शाफ्ट है, वो रिपेयर हो रहा है। इनके जगह अब बड़े लेवल का आ गया है, जैसे 6N70 मॉडल जो बोलते हैं, इनसे थोड़ा बड़े तो वाला भी बस सेम ऐसा ही है, बस वो बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ जो जितने भी ट्रिक लगता है वो वहाँ भी अप्लाई आसानी से हो जाएगा, बस साइज में छोटा है, बस काम वही है। तो इस तरह से जितने भी ट्रिक यहाँ यूज मैं करता हूँ वाला ट्रिक वाला भी मशीन में यूज हो जाएगा आसानी से। आजकल बहुत से जगह वो 6N70 मॉडल वाला है, बड़े साइज वाला जो कमर्शियल काम के लिए यूज हो रहा है, बहुत सारे खरीद भी रहे हैं, क्योंकि उसका कुटाई का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो वाला थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह से वेल्डिंग करना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर 6N70 मॉडल वाला राइस मिल मशीन का इस तरह का शाफ्ट रहेगा तो उनको और ज़्यादा दाम रहेगा नया समय, तो उनको भी इस तरह से रिपेयर करना होगा। तो आपका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम आएगा दोस्तों, ना के बराबर ही आएगा। मेरे पास तो सारा सारा जुगाड़ है, वेल्डिंग मशीन कटिंग मशीन है, सब सारा जुगाड़ है, तो मेरे को जो यानी मेंटेनेंस का खर्चा ना के बराबर ही लगता है। अगर आप दूसरे शॉप में भी जाके रिपेयर करवाओगे तो बहुत कम ही पैसा लगेगा, अगर नया खरीदने का सोचोगे तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। तो आपको इस तरह के रिपेयर करके ही चलाना बेहतर होगा दोस्तों। वेल्डिंग करने के बाद इस तरह से ग्राइंडर मशीन से लेवल करना होगा, यानी जाली देख देख के इस तरह से लेवल कर देने से जाली के साइज में आ जाएगा, फिर ये नया शाफ्ट का रूप ले लेगा और जो कुटाई का कैपेसिटी फिर वापस आ जाएगा नया मशीन जैसे।